तो हाय गाइस नमस्ते, मैं आनंदी, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे चैनल हेल्थ बेबी केयर में। तो गाइस आज हम बताने वाले हैं अश्वगंधा से भी ज़्यादा ऐसी कौन सी जड़ी बूटी है जो कि अश्वगंधा से भी ज़्यादा ताकतवर और फायदेमंद है। तो गाइस आज हम आपको इसी बारे में सारी जानकारी देने वाले हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ, हमारे वीडियो के साथ एंड तक जरूर बने रहें ताकि इस वीडियो में जो भी हम आपको जानकारी दें, जो भी सोल्यूशन दें, आपको पूरी और सही तरीके से मिल सके। तो गाइस अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, साथ साथ चैनल पर अगर नए हैं, ऐसे सारे वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। चलिए गाइस आज के वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस हम आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग अश्वगंधा को बहुत अच्छे और बहुत ही ताकतवर जड़ी बूटी मानते हैं, क्योंकि आप लोग ऐसा सोचते हैं कि अश्वगंधा से ज़्यादा ताकतवर ऐसी कोई जड़ी बूटी नहीं है, है लेकिन शायद आप लोग उसे अभी तक जानते नहीं हैं। लेकिन जो जड़ी बूटी हम आपको बताने जा रहे हैं वो अश्वगंधा से ज़्यादा ताकतवर है, इससे आपको बहुत ही जल्दी रिजल्ट मिलेगा और इससे आपको जो फ़ायदा होगा वो अलग होगा। जिस जड़ी बूटियों के बारे में आपको बताने वाले हैं उसका नाम है कौंच का बीज। जी हाँ गाइस, ये जो कौंच का बीज है ये सदियों पुराने समय से इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि इसके बहुत सारे ऐसे पुराने से पुराने बीमारी हो गया, रोग हो गया। अगर किसी की गंदगी जमी है या फिर जोड़ों में दर्द है, ब्लड का संचार नहीं होता है, हार्ट अटैक की बीमारी है, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं, आप कौंच के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो परेशानी है दूर हो जाएगी। हम आपको डिटेल में सारी जानकारी इस वीडियो में देंगे। तो आप हम आपको बता देते हैं जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल के बीमारी में अगर आप कौंच के बीज का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके कोलेस्ट्रॉल को दूर करने के लिए, उसे कंट्रोल करने के लिए बहुत ही फायदेमंद, बहुत ही ज़बरदस्त माना जाता है। क्योंकि गाइस कौंच बीज में एंटीऑक्सीडेंट गुण पाया जाता है, जो कि इसे इस्तेमाल करने से शरीर में जो भी गंदगी, जो भी विषैले पदार्थ होते हैं उसे दूर करके रक्त को शुद्ध करने का काम करता है कौंच का बीज। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल वाले रोगी को कौंच का बीज जरूर इस्तेमाल करना चाहिए। हमें दूसरा बता दूँगा, दूसरा है अनिद्रा की प्रॉब्लम। अगर किसी पुरुष को अनिद्रा की प्रॉब्लम है, थकान की प्रॉब्लम है, कौंच के बीज में ऐसे बहुत सारे पोषक तत्व तो पाए जाते हैं जो कि हमारे शरीर में आलस हो या फिर कमजोरी हो उसे दूर करके हमारे मन को, हमारे शरीर को रिलैक्स करता है, उसे फुर्तीला बनाता है। हमारे शरीर में एलर्जी की कमी है या फिर अगर ऊर्जा की कमी है तो उसे भरपूर मात्रा में भर देता है। शारीरिक कमजोरी हो या थकान हो, ऐसे सारी परेशानी को दूर करने के लिए कौंच बीज का इस्तेमाल करने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि इसमें कौन कौन से विटामिन पाए जाते हैं जो कि आपके शारीरिक कमजोरी को दूर करने के लिए काफ़ी कारगर माना जाता है। इसलिए इसमें मौजूद प्रोटीन, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, कॉपर, जिंक और एंटीऑक्सीडेंट गुण जैसे पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर में अगर शारीरिक कमजोरी है या शारीरिक कोई परेशानी है तो उसे आसानी से दूर कर देता है। इसके साथ अगर आपको खून की कमी है, एनीमिया की प्रॉब्लम है, आपके शरीर में अगर ब्लड का संचार अच्छे से नहीं होता है, अगर आपके शरीर में कहीं नसें जाम हो गई हैं, ब्लॉक हो गया है आपके नसों की, अगर वहाँ के जो नसें हैं काली पड़ रही हैं, आपके बार बार सर में दर्द होता है, आपके आँखों की रोशनी कम हो गई है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके बदन में पूरा दर्द सा बना रहता है, आपको आलस हमेशा बनी रहती है, तो ऐसे परेशानी के लिए आप कौंच बीज का इस्तेमाल ज़रूर करें। तो गाइस अब हम आपको आखिरी बता देते हैं जो कि शरीर में, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए, या फिर अगर आप कुछ भी खाते पीते हैं, आप सोच रहे हैं कि आपका शरीर हष्ट पुष्ट तंदुरुस्त रहे, आप मोटे हो जाएं, आपकी कोई भी बीमारी ना हो, तो इसके लिए आपके शरीर के जो इम्यूनिटी सिस्टम है उसे मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके शरीर की इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत है, स्ट्रॉन्ग है, तो फिर आपको कोई भी बीमारी नहीं हो सकती। अगर आपका पाचन क्रिया खराब रहेगा तो आपके पाचन क्रिया की वजह से ही आपकी सारी बीमारी शुरू होती है, गैस, कब्ज, एसिडिटी, डायबिटीज, लीवर, फेफड़ों की परेशानी, सांस की परेशानी, बलगम की परेशानी, बार बार बुखार आना, सर्दी, बार बार सर में दर्द आना, आलस बना रहना, कमजोरी आना, जोड़ों में दर्द होना, खून की कमी होना, ऐसे सारी परेशानी शुरू हो जाती है। ये लक्षण है आपके इम्यूनिटी सिस्टम के कमज़ोर होने का। गाइस अगर आपके इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर है तो आपके पेट में बीमारियों का घर बन जाता है। तो आप अपने इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, उसे मजबूत बनाना चाहते हैं और अपने शरीर को हमेशा स्ट्रॉन्ग बनाए रखना चाहते हैं, इन सब बीमारियों से हमेशा के लिए पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो आपके लिए, आपके सेहत के लिए कौंच बीज का इस्तेमाल करना काफ़ी लाभदायक
साबित होगा। तो करना क्या है, आप कौन से बीज मार्केट से खरीद लें, आपको मार्केट से अगर नहीं मिल पा रहा है तो आप ऑनलाइन भी इसको खरीद सकते हैं, और उसे खरीदने के बाद आप इसे सुबह शाम ऐसे भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इसका पाउडर बना के रख लें उस तरह से शहद के साथ, या फिर गुनगुने पानी के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो गाइस आज की छोटी सी हमारी वीडियो आप लोग को कैसी लगी, अगर कौन से बीज के बारे में आई जानकारी अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। आज के लिए इतना ही, मैं मिलती हूँ किसी अलग और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें।